तो आज की तारीख में दुनिया में ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली है। कई ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर तो शुरू भी हो चुका है। हालात ये इशारा तो जरूर कर रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, लेकिन इस बारे में दुनिया के दो बहुत ही सटीक भविष्यवाणी करने वाले लोगों ने क्या कहा है, जिनकी सैकड़ों बातें आज तक सच हो चुकी हैं। ऐसे ही दो भविष्यवक्ता बाबा वेंगा और नास्ट्राडामस, दोनों पर हमने काफी रिसर्च की और हमें जो बात पता लगी है वो काफी चौंका देने वाली है। परमाणु धमाके होंगे, दुनिया में 10,000 शहर वीरान हो जाएंगे, इतना धुआं उठेगा। साल तक सूरज नहीं दिखेगा। तीसरा विश्व युद्ध, बाबा वेंगा जिसने बिना आंखों के भी भविष्य को देखा था, जिसकी भविष्यवाणियों ने पूरी दुनिया के इंसानों को चौंकाया है, और जिसने साल 2023 के बाद यानी साल 2024 से शुरू होकर साल 2025 तक तीसरे वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणियां की हैं। उन्हीं बाबा वेंगा की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, ऐसा भीषण युद्ध होगा कि पूरी धरती पर एक साल तक अंधेरा छा जाएगा। ऐसी ही एक भविष्यवाणी फ्रांस के सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस ने भी की है। पूरी दुनिया में आबादी वाले इलाकों में 70 परमाणु धमाके होंगे। इतने बड़े पैमाने पर परमाणु धमाकों से इतना धुआं उठेगा कि 11 महीने तक सूरज भूरे रंग का हो जाएगा, उसकी रोशनी धरती पर पहुंच ही नहीं पाएगी। यानी दुनिया के दो सबसे बड़े भविष्यवक्ता एक ही बात कह रहे हैं कि दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, लेकिन नास्ट्राडामस ने और ज्यादा साफ संकेत दिया है कि ये अंधेरा इसलिए छा जाएगा क्योंकि 70 एटम बम पूरी दुनिया में फटेंगे। आखिर तीसरा विश्व युद्ध कैसे शुरू होगा? आखिर तीसरे विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल होंगे? क्या पुतिन तीसरा विश्व युद्ध जीत पाएंगे? क्या चीन पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा? क्या स्पेन के तीन टुकड़े हो जाएंगे? क्या ईरान परमाणु बम बना लेगा? क्या इजराइल पर परमाणु हमला होगा? क्या पुतिन की ताकत से यूरोप पर इस्लामी देशों का अधिकार हो जाएगा? क्या अमेरिका की महान शक्ति खत्म हो जाएगी? क्या चीन में तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र स्थापित होगा? और क्या तिब्बत को तीसरे विश्व युद्ध के बाद आजादी मिल पाएगी?
इन सभी सवालों का जवाब बाबा वेंगा और नास्त्रेद्रमस ने भी दिया है। इन महान भविष्यवक्ताओं ने जो संकेत दिए हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। हम आपको सुनाने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी कहानी बाबा वेंगा और नास्त्रेद्रमस की जुबानी। बाबा वेंगा और नास्त्रेद्रमस की भविष्यवाणियों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि इजराइल और हमास का गाजा युद्ध दरअसल थर्ड वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड है। जब आकाश में मंगल अस्त होगा, शुरू होगा 7 महीने का भयंकर युद्ध। बुरी मौत मरेंगे हजारों लोग, लेकिन उनका तेज राजा के हाथों में नहीं गिरेगा। दरअसल नास्त्रेद्रमस ने अब तक कई ऐसी भविष्यवाणियां सैकड़ों साल पहले कर दी जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई है, जिन्हें अभी भी सालों से डिकोड किया जा रहा है। यहां बताते हैं कि हर एक शब्द का आखिर क्या कुछ डिकोड करने के बाद रहस्य सामने आता है, रहस्य पर से पर्दा उठता है। नास्त्रेद्रमस ने अपनी किताब सेंचुरीज में हमास और इसराइल के बीच जो ये महाजंग हो रही है, जो ये महायुद्ध हो रहा है, उसका संकेत आज से सैकड़ों साल पहले ही कर दिया था। अब सवाल इस बीच ये उठता है कि आखिर नास्त्रेद्रमस की इस पहेली का मतलब क्या है जो एक एक शब्द में यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले जब आकाश में मंगल अस्त होगा, ध्यान से सुनिए, जब आकाश में मंगल अस्त होगा तब भयंकर युद्ध होगा। ज्योतिष के विद्वानों का कहना है कि 24 सितंबर को मंगल अस्त हुआ और 7 अक्टूबर को हमास और इसराइल के बीच महायुद्ध शुरू हो गया, जिसमें हमास ने शक्तिशाली देश इसराइल पर खौफनाक खतरनाक हमला कर दिया। ये नास्त्रेद्रमस की वो भविष्यवाणी है जो यकीनन सच भी साबित हुई है, क्योंकि हकीकत इस वक्त हमारे सामने है। लेकिन इसी भविष्यवाणी की आखिरी लाइन, आखिरी पंक्ति भी आप देखिए, उन लोगों का तेज राजा के हाथों में नहीं गिरेगा। राजा हमेशा से यही चाहता है कि जीत उसी के खेमे में आए, उसी के पाले में आए। लेकिन यहां पर शायद इस बात का यह संकेत नास्त्रेद्रमस की भविष्यवाणी देती है कि युद्ध में इसराइल को पूर्ण विजय हासिल नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो टक्कर इजराइल के हाथों में आएगी जिसकी उसे उम्मीद नहीं है। अगर गाजा युद्ध पर की गई इस भविष्यवाणी पर गौर करें तो नास्त्रेद्रमस की बात सही नजर आती है, क्योंकि इस युद्ध में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग हताहत हो चुके हैं और हमास ने अब इजराइल को टक्कर देते हुए उसके दर्जनों शक्तिशाली मरकावा टैंक फोड़ डाले हैं। नास्त्रेद्रमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 में फ्रांस में हुआ था। 1547 से नास्त्रेद्रमस ने भविष्यवाणियां करना शुरू किया और 1555 में उन्होंने एक किताब लिखी, सेंचुरीज। इस किताब में 900 से ज्यादा भविष्यवाणियां हैं जो कविता के छंदों में लिखी गई हैं। जब नास्त्रेद्रमस की बहुत सी भविष्यवाणियां सच होने लगी तो फ्रांस की रानी कैथरीन ने उनको मिलने के लिए बुलाया और फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय ने भी उन्हें अपने दरबार में सम्मानित किया। लेकिन दुनिया उस वक्त चौंक गई थी जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ और तब पूरी दुनिया के अखबारों में नास्त्रेद्रमस की 440 साल के बाद सच हुई भविष्यवाणी हैरानी के साथ छापी गई थी। नास्त्रेद्रमस की एक और भविष्यवाणी किस तरह से डिकोड हुई, अब उसके रहस्य फिर से भी पर्दा उठाते हैं। दरअसल दो लोहे के पक्षी आसमान से महानगर में गिरेंगे। आगे देखिए, आसमान 45 डिग्री के अक्षांश पर जलेगा, वहीं आग एक नए बड़े शहर में उठेगी और साथ ही साथ विशाल बिखरी हुई आग की लपटें होंगी। इसे आप समझिए, नास्त्रेद्रमस की जो ये भविष्यवाणी यहां पर सामने आती है उसमें यह भी है कि कुछ महीनों में नदियां खून से भरी होंगी, यानी कि वो नदियां होंगी जिसकी उम्मीद यहां पर, जिसकी बात यहां पर भविष्यवाणी के तौर पर नास्त्रेद्रमस ने अपनी किताब सेंचुरीज में की थी, वो भी सैकड़ों साल पहले। अब आपको इसका रहस्य यहां पर बताते हैं। सबसे पहले
ये दो लोहे के पक्षी आसमान से महानगर में गिरेंगे। याद करिए, सालों साल पहले 9/11 का हमला, ये संकेत है, ये संकेत है नॉस्ट्रेडमस की इस भविष्यवाणी में जिसे डिकोड किया गया था। अब यहां पर नोट करिए, गौर करिए इस बात पर कि नॉस्ट्रेडमस ने लिखा कि दो स्टील के पक्षी जो हैं वो महानगर में गिरेंगे। आप याद करिए कि किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स पर दो विमान टकराए थे, वो पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर पूरी दुनिया ने देखा था, जो आज भी जहन में उड़ता है तो हर किसी की रूह कांप उठती है, क्योंकि आज से 500 साल पहले विमानों का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए नॉस्ट्रेडमस ने उन्हें विमान यहां पर नहीं कहा, बल्कि स्टील के लोहे के दो पक्षी यहां पर उनके जरिए कहा गया था। और इसके बाद आगे नॉस्ट्रेडमस ने क्या कुछ लिखा यह भी आपको बताते हैं। आग एक नए महान शहर में उठेगी और कुछ महीनों के अंदर नदियां जो हैं वो खून से भरी होंगी। आपने देखा होगा वो खौफनाक खतरनाक मंजर भी आपकी आंखों के सामने तैरता होगा कि कैसे अफगानिस्तान में वॉर एंड टेरर हुआ, जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। वो कब्रिस्तान यहां पर दिखाई दिया जिसे सोचकर आज भी रूह कांप उठती है। हालांकि पाकिस्तान पर हमले के बाद 1,00,000 लोग अपनी जान यहां पर गवा बैठे और पाकिस्तान में ही आतंकवादी हमलों में मारे गए। नॉस्ट्रेडमस ने एडॉल्फ हिटलर के उदय और फिर दूसरे विश्व युद्ध की भी सटीक भविष्यवाणी की थी। अपनी किताब सेंचुरीज में नॉस्ट्रेडमस ने लिखा था, यूरोप की पश्चिमी भूमि ऑस्ट्रिया में जन्म लेगा एक गरीब बच्चा जिसकी वाणी से दुनिया सम्मोहित होगी, जिसकी प्रसिद्धि जापान तक होगी। बाद में वही खलनायक सबको डराएगा, पूरी दुनिया को अंधेरे में ले जाएगा। नॉस्ट्रेडमस की आंखों ने वर्ल्ड वॉर टू को देख लिया था और ये बिल्कुल सही लिखा है कि हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों से पूरे जर्मनी का दिल जीत लिया था और यूरोप को भी सम्मोहित कर दिया था। दरअसल नॉस्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणियां पहेलियों के रूप में की हैं, यानी उन्होंने सिर्फ संकेत ही किए हैं और इन संकेतों का अध्ययन दुनिया के कई महान विद्वानों ने किया है। उन्हीं में से एक हैं केन बेस्ट, जिन्होंने नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों पर कई किताबें लिखी हैं। इन्हीं में से एक किताब है नॉस्ट्रेडमस प्रेडिक्शंस एंड वर्ल्ड वॉर 3 इन 2025। नॉस्ट्रेडमस ने तीसरे विश्व युद्ध पर 181 छंद लिखे हैं। इस किताब में वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी टाइमलाइन का जिक्र है। नॉस्ट्रेडमस ने लिखा है, तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट एक बड़ी घटना होगा जिसमें परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाएगा। परमाणु ठिकानों पर होंगे आतंकी हमले, आग की लपटों में दुनिया जलेगी, चीन और रूस से डरेगा यूरोप। ये संकेत अब देखिए किस तरह से नॉस्ट्रेडमस ने अपनी किताब सेंचुरीज में किए, जिसे जब डिकोड किया गया तो एक खौफनाक तस्वीर हकीकत के तौर पर सामने आई। हम कभी नहीं चाहेंगे, ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जो डिकोड करने के बाद यहां पर सामने आया है, और शायद दुनिया में कोई भी नहीं चाहेगा कि कभी भी ऐसा हो, लेकिन नॉस्ट्रेडमस ने लिखा जो है वो हकीकत सबूत के तौर पर वक्त वक्त पर सामने आती रही है। आने वाले कुछ सालों में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी और इस विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट होगा यूरोप के परमाणु ठिकानों पर हुआ आतंकी हमला। चीन और रूस से यूरोप डरेगा, यानी कि किस तरह से वो ताकत यहां पर बढ़ेगी जो बड़े बड़े शक्तिशाली देशों के भी रोंगटे खड़े कर देगी, उन्हें भी खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर कर देगी। नॉस्ट्रेडमस ने अपनी किताब द सेंचुरीज में संकेत किया है कि इन आतंकियों को हथियार और ट्रेनिंग रूस देगा। सीरिया की एक घाटी में इन आतंकियों को परमाणु ठिकानों पर हमला करने की ट्रेनिंग 10 साल तक दी जाएगी और यह आतंकवादी परमाणु ठिकाने बर्बाद करके यूरोप की ताकत को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे और इसके बाद रूस और चीन की मिलिट्री मिलकर यूरोप पर हमला कर देगी, केन बेस्ट ने अपनी किताब में लिखा है। नॉस्ट्रेडमस प्रेडिक्शंस एंड वर्ल्ड वॉर 3 इन 2025 में लिखा है,
रूस का एक शासक जो जूडो और कराटे में ब्लैक बेल्ट होगा, वो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत चीन को अपने साथ लेकर करेगा। चीन और रूस की सम्मिलित सेनाओं से दुनिया डर जाएगी, लेकिन यूरोप के देश बहुत कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि आतंकवादी पहले ही उनके परमाणु भंडारों को धमाकों से खत्म कर देंगे। और इसके बाद अमेरिका के वॉरशिप पर परमाणु हमले के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। नास्त्रेद्रमस की भविष्यवाणियों पर लिखी गई केन बेस्ट की इस किताब में आगे लिखा है कि अमेरिका अपने 5 युद्धपोत, जिसमें कई एयरक्राफ्ट कैरियर भी होंगे, भूमध्य सागर में भेजेगा ताकि यूरोप की सुरक्षा हो सके। लेकिन चीन और रूस के जंगी बेड़े एक परमाणु मिसाइलों से अमेरिका के 5 के 5 युद्धपोत डुबो देंगे। नास्त्रेद्रमस ने अपनी भविष्यवाणियों में रूस की वैगनर फोर्स का भी जिक्र किया है, लेकिन इसके लिए बर्बर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नास्त्रेद्रमस के मुताबिक रूस और चीन अपनी सेनाओं को 3 भागों में बांट देंगे। द एग्जाइल, द बारबेरियंस, रूस और चीन की ऑफिशियल आर्मी। द एक्साइल और द बारबेरियंस यानी वैगनर लड़ाके मिलकर यूरोप के देशों पर कब्जे शुरू कर देंगे। नास्त्रेद्रमस के मुताबिक सबसे पहले फ्रांस के मर्सीले शहर पर रूस के लड़ाके कब्जा कर लेंगे। तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर पर नास्त्रेद्रमस ने 181 छंद लिखे। उनमें से एक छंद ये भी है, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि इसके जो मतलब डिकोड करने के बाद निकले हैं वो वाकई बताते हैं कि क्या कुछ भविष्य में छिपा हुआ है। 3 टुकड़ों में बटेगा स्पेन, 7 परमाणु हमलों से दहलेगा यूरोप, फ्रांस 6 परमाणु बमों से अपनी रक्षा करेगा। नास्त्रेद्रमस की ये भविष्यवाणियां मजाक नहीं है, बल्कि महातबाही की तरफ इशारा करती हुई, इतिहास के पन्नों में झांकती हुई, वर्तमान को समझती हुई भविष्य की पूरी कहानी, हकीकत यहां पर पूरी दुनिया के सामने रखती आई है और सबूत के तौर पर दिखाई भी देती रही है। नास्त्रेद्रमस ने यूरोप के उन शहरों के नाम भी लिखे हैं बाकायदा, जहां परमाणु बॉम्ब फटेंगे, और सोचिए क्या विनाश उस वक्त में होगा। नास्त्रेद्रमस के मुताबिक सबसे बुरा हाल अगर होगा तो वो स्पेन का होगा, क्योंकि उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। जी हां, जो स्पेन आज एक नजर आता है वो 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और स्पेन से ही टूटकर एक नया देश भी बनेगा। डिकोड करने पर यह भी मालूम चला कि वो आखिर देश कौन सा होगा। वो देश होगा कैटालोनिया। वैसे बहुत लंबे वक्त से कैटालोनिया को एक अलग देश के तौर पर बनाने की मांग होती भी रही है, और नास्त्रेद्रमस के मुताबिक थर्ड वर्ल्ड वॉर में यह हो भी जाएगा। लेकिन स्पेन का एक और तीसरा टुकड़ा भी होगा, जिसका नाम होगा ग्रेनाडा। ये नास्त्रेद्रमस की वो भविष्यवाणियां कहती है जिन्हें डिकोड करने पर खतरनाक सबूत सामने आते हैं। और नास्त्रेद्रमस ने चौंकाने वाली भविष्यवाणियां करते हुए लिखा है कि स्पेन का तीसरा टुकड़ा ग्रेनेडा पर इस्लामिक फोर्स का कब्जा हो जाएगा। अगर हम दुनिया के नक्शे में देखें तो स्पेन भूमध्य सागर के किनारे पर बसा देश है, और ग्रेनेडा का इलाका भी भूमध्य सागर में ही है। और नास्त्रेद्रमस की भविष्यवाणी से संकेत मिलता है कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से के मुस्लिम देशों से आने वाली एक मुस्लिम फोर्स, मुस्लिम बहुल देश मोरक्को को मार करके स्पेन के ग्रेनेडा पर कब्जा जमा लेगी और उसे एक इस्लामिक देश घोषित कर देगी। अगर इस भविष्यवाणी को सही माना जाए तो यह साफ पता लगता है कि दुनिया 2 गुटों में बटी होगी। पहला गुट अमेरिका के साथ यूरोप के ईसाई बहुल देश, और दूसरा गुट होगा रूस के साथ चीन, ईरान और अन्य मुस्लिम बहुल देश। यानी नास्त्रेद्रमस के संकेतों के मुताबिक रूस और चीन के ही गठबंधन में शामिल मुस्लिम देशों की आर्मी यूरोप पर कब्जा शुरू कर देगी, और पहला कब्जा स्पेन के ग्रेनेडा पर होगा। और यहां पर नास्त्रेद्रमस और बाबा वेंगा करीब करीब एक जैसी भविष्यवाणियां करते हुए नजर आते हैं। बाबा वेंगा ने यह भविष्यवाणी की है कि 21वीं शताब्दी में यूरोप के मुस्लिम राज की शुरुआत होगी और यूरोप के ज्यादातर देशों में मुस्लिम राज होगा।
आज यूरोप के अंदर मुसलमानों की आबादी सिर्फ 4% ही है, लेकिन यूरोप में ईसाइयों की आबादी लगातार गिर रही है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर द गार्जियन के मुताबिक ब्रिटेन के 2021 के सेंसस की रिपोर्ट कहती है कि ब्रिटेन में ईसाइयों की आबादी में 33 लाख की गिरावट हुई है और मुसलमानों की जनसंख्या में 18 लाख का इजाफा हुआ है, यानी ईसाइयों की आबादी में 17% की गिरावट हुई है और मुसलमानों की आबादी में 44% का इजाफा हुआ है। ब्रिटेन की जनसंख्या के नए आंकड़े बताते हैं कि कई इलाकों में ईसाई अल्पसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का इशारा यह है कि मुसलमान